हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो अभी रात के 12 बज रहे हैं और बाहर भयंकर वाली बारिश हो रही है, और जो पानी जाने के लिए हमारी छत से जो पाइप लगा रखा था वो ब्लॉक हो गया है, जिससे कि जो सारा पानी था वो अंदर रूम में आ गया है। और मैं बाहर आई, मैंने देखा कि सारा पानी अंदर आ गया था। और अभी मैंने क्या किया कि वाइपर लाई बाहर से, और यहाँ पे रात को 12 बजे वाइपर लगा रही हूँ। तो क्या कर रहे हैं, चटाई भी पूरी गीली हो गई है, वो मैंने अभी बाहर डाल दी है, और बहुत जोर से बिजली भी कड़क रही है। यहाँ पे देखिए, अभी मेरी हेल्प कर रहा अभी क्या लग रहा है तुझे? अंदर ही स्विमिंग पूल बन गया। मैं पूरे कपड़े उतार दूं, पूरे। और मैं मस्त ना हूं। अरे बाप, अभी इस वाले रूम से नहीं किया मैंने। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, आरती सो गई थी और यहाँ इतना पानी आया आरती को पता भी नहीं चला। यहाँ देखिए, पूरा पसीना आ गया है, हालत खराब हो गई है। अभी बाहर हॉल में भी करना है, एक कमरा तो कर दिया, किचन भी कर दिया, और अभी पूरा बाहर हॉल करना है, और बेड के नीचे भी पूरा पानी जा रखा है। तो आरती अंदर रूम से पानी बाहर ला रही है, और मैं बाहर हॉल से पानी को बाहर बरामदे में ले जा रही हूँ। हालत खराब हो गई है आज, मस्त क्या सपने देखने थे मैंने अभी। तो कल परसों भी देख सकते थे, अब आज ही नहीं देखने, आज सफाई करो। पर कोई नहीं, कल लेट में उठ जाएंगे, क्योंकि पोछा करने की आपस दूर हो गई। आज रात कर मैं स्टार बना दूँ। अभी रात के 2 बज गए हैं, और हमने यहाँ पे अभी पूरी सफाई कर दी है। बहुत ज्यादा पानी आ रखा था, अगर पानी सिर्फ हॉल में होता तो उतना टाइम नहीं लगता, पानी पूरे बेड के नीचे भी जा रखा था, तो बेड पूरे इधर उधर करने पड़े, सोफे वगैरह सारे इधर उधर करने पड़े। और अभी हमने सारा पानी निकाल दिया है, अब थोड़ा जाके शांति हो गई है। ऐसे बारिश के मौसम में कभी भी गहरी नींद में न सोएं, क्योंकि पानी कभी भी अंदर आ सकता है, कभी भी पाइप ब्लॉक हो सकते हैं, जिससे कि पानी कमरे में भी आ सकता है, जैसे हमारे यहाँ हुआ। 2 भी बज गए हैं और बाहर बारिश भी कम हो गई है, तो मैं आपको मिलती हूँ सीधे कल सुबह में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो आज की दिन की शुरुआत हो रही है 11:30 बजे से, और अभी हमने यहाँ पे मैट सुखाने के लिए डाल दी हैं। और कल पूरे छत का पानी यहाँ से नीचे आया, और यहाँ पे आते आते पूरा ये ब्लॉक हो गया था, जिससे कि जो सारा पानी था वो इस छत में पूरा रुक गया, और जब पानी का स्तर यहाँ से ऊपर बढ़ गया तो पूरा वो दरवाजे के नीचे के रास्ते से पूरा अंदर आ गया। दीदी के यहाँ पे गेहूँ सुखाने के लिए रख रखे हैं। आज जो देहरादून का मौसम है, काफ़ी सुहावना है, ये देखिए। और सामने मसूरी पे पूरे बादल ही बादल लगे हुए हैं। आज हम बहुत लेट से उठे, लेट में उठने का कारण तो आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि कल रात अंदर पूरा पानी आ गया था, तो हम सफाई करते करते 2 बज गए थे और हम 2 बजे सोए।
यहाँ पे चल रही है अभी की ऑनलाइन क्लास और उनकी मैम ने उनको मेरी माँ पे एक ऐसे लिखने के लिए दे रखा है और ये है अभी की राइटिंग। तो अभी मेरी एक और क्लास चलेगी और जब तक मेरी वो क्लास खत्म होती है तब तक आप टाइम लैप्स को एंजॉय कीजिए। और ये देखिए देहरादून के मौसम का भी कोई भरोसा नहीं रहता है, उसी टाइम धूप लगी रहती है तो उसी टाइम भयंकर बारिश भी लग जाती है और बारिश आ रही है पूरी, अंदर दरवाजा बंद कर देते हैं। तो अभी यहाँ बारिश के साथ साथ बहुत तेज हवा भी चल रही है और काफी तेज बारिश हो रही है। अब मैं आपको एक बात बता देती हूँ, बात यह है कि लगभग 3 महीने पहले किसी ने मेरे नाम से एक फेसबुक पेज बनाया और उसमें मेरी एक फोटो और एक वीडियो भी अपलोड कर रखी थी। कल मेरी दीदी को अचानक से वो वीडियो सजेस्ट हुई होगी तो उसने मेरे को कॉल कर दिया और उसने मेरे को कहा कि क्या तूने अपना फेसबुक पेज बनाया, तो मैंने उसको मना कर दिया। मैंने कहा मैंने तो ऐसा कोई फेसबुक पेज नहीं बनाया। तो उसने मेरे को फिर कहा कि तेरे नाम से यहाँ पे किसी का फेसबुक पेज बना रखा है और उसमें तेरी एक वीडियो भी अपलोड कर रखी है। तो फिर मेरे मन में आया कि क्या पता भाई ने मेरा फेसबुक पेज बनाया होगा, तो मैंने तुरंत उसको कॉल कर दिया। उसने मेरे को कहा कि मैंने तो कोई भी फेसबुक पेज नहीं बनाया है तेरे नाम से। तो मैंने उसको कहा कि प्रीति राणा सर्च करके वहां पे चेक कर ले फेसबुक पे। तो उसने सर्च किया होगा तो उसमें देखा कि मेरी वीडियो भी अपलोड कर रखी थी और उसमें ऐसा भी लिखा हुआ था कि अब मेरे फेसबुक पेज पे भी आपको उत्तराखंडी लाइफस्टाइल ब्लॉग देखने को मिलेंगे। मैंने उसमें देखा कि काफी सारे लोगों के कमेंट आ रखे थे, काफी सारे लोगों ने उसको फॉलो कर रखा था और मैंने उसके कमेंट पढ़े भी तो सब उसको प्रीति राणा ही समझ रहे थे और उसमें उसका अपना व्हाट्सएप नंबर भी डाल रखा था। तो मैं आपको बता दूं कि वो जो प्रीति राणा नाम से फेसबुक पेज बना हुआ था वो फेक है, कृपया उसको प्रीति राणा समझने की भूल न करें और ना ही उस पर फॉलो करें। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी मैं फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा कुछ भी नहीं चलाती हूं। जिस दिन मैं फेसबुक या इंस्टा पे अपना अकाउंट बनाऊंगी उस दिन मैं आपको अपनी वीडियो के थ्रू बता दूंगी। और ये देखिए बारिश तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। और यहाँ पे जो पक्षी बैठी हुई है इसको हमारे यहाँ घुघुती बोलते हैं और ये भी बारिश का पूरा पूरा आनंद ले रही है। आजकल देहरादून के मौसम की बात की जाए तो देहरादून में सुबह शाम बहुत तेज बारिश हो रही है और दिन में प्यारी सी धूप खिल रही है, अभी भी काफी तेज बारिश हो रही है। तो अभी मुझे कॉलेज का भी बहुत सारा काम करना है तो आज की वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।